नहीं यार, मैं ये मानता हूँ दोस्ती के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो नज़र लगती है, और रणवीर की माँ और रणवीर भी इस बात से सहमत है। हम हाँ। बहुत चर्चे हो चुके हैं कि हम प्लान कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार। दोनों हम एक दूसरे को तब से जानते थे जब आप हमें नहीं जानते थे। अनफॉर्चुनेटली तभी हम जितनी दोस्ती दिखाना चाहते थे सबको दिखाते थे, लेकिन नोबडी वाज इंटरेस्टेड। नाउ व्हेन वी आर फ्रेंड्स एंड वी हैंग आउट एंड वी हैव डन अ फिल्म टुगेदर, बहुत मज़ा आया काम करके। सो जायज़ बात है, अगर दोस्ती बढ़ती है तो मज़ा आता है साथ में रहने का। जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो, यू आर नॉट टू वरीड अबाउट योर प्लान है या ये है या वो है, यू आर हैविंग फन एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। और शायद ऑडियंस को वो असली दिख रही है ट्रेलर्स में, हमारे इंटरेक्शंस में, दैट वी आर जेन्युइनली कंफर्टेबल विद ईच अदर। आई मीन कैमरा से आपको छुपा नहीं सकते, इवेंचुअली वो पकड़ ही ले। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। रणवीर सिंह तो वेटरन है, आते रहते हैं। जितनी पिक्चरें की उतना उन्होंने टेलीविजन का सर्किट किया हुआ है, तो इज अ वेटरन। मैं पहली बार आया हूँ। हाँ, यहाँ के बहुत मज़ा आता है, हमेशा मज़ा आता है। आई थिंक द परफॉर्मर्स आर वेरी वेरी टैलेंटेड। भारती हो कि मंत्रा हो या कृष्णा हो, एंड इट हमेशा मज़ा आता है जजेस के साथ इंटरेक्ट करना। अर्चना जी, अरबाज भाई, सोहेल भाई, बहुत मज़ा आता है शो में आके। इतना आदमी हंसता है, मतलब इट्स लाइक थेरेपी कमिंग फॉर दिस शो। विश मेरी बहुत बड़ी 85 केजी की विश इनके साथ है कि इनकी गुंडे सुपर डुपर हिट हो। मतलब कि सब लोग उसके बाद सोचें कि डॉक्टर इंजीनियर कुछ नहीं बनना, गुंडे ही बनना है। इतनी बड़ी हिट हो और बस मज़ा आए हर प्रमोशन पे। ये कॉमेडी सर्कस में आते रहे, क्योंकि ये 6 साल 7 साल से लगातार ये शो चल रहा है और रात 10 बजे आता है। और इनकी फिल्म का भी शो 10 बजे है ना सर? हाँ है। आपके लिए तो मिडनाइट स्क्रीनिंग पे रख देंगे। Thank you.